तो भाई आप एक स्पोर्ट पर्सन हो एंड बजट में एक वॉच ढूंढ रहे हो जिसके अंदर में ब्लूटूथ कॉलिंग मिले, ड्यूरेबल मिले काफ़ी सही प्राइस पे, तो ये मेरे पास में बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाली स्टर्लिंग जो भी अभी लॉन्च भी नहीं हुई है। लॉन्च होने से पहले मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस ये बॉक्स ने भी आईफोन जैसी डाइट फॉलो की, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है। एंड अभी हम करते हैं इसको अनबॉक्स। अनबॉक्स करते ही हमें यहाँ पर मिलता है इसका एक वारंटी स्टिकर जो कि 3 मंथ एक्सटेंडेड वारंटी कर सकते हो आप इसे स्कैन करके, मतलब आपको 15 मंथ्स की वारंटी मिलने वाली है जो कि काफी सही चीज है। एंड साथ में आपको इसका यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की ओर यहाँ पर मैं टाइप ए 2 मैग्नेटिक वाला, यहाँ पर मैं आपको चार्जिंग का डॉक मिल जाता है जिससे कि आप अपनी वॉच को चार्ज कर सकते हैं। एंड भाई फाइनली अपनी वॉच जो है नीचे रखी गई है। एंड पीछे के साइड सेंसर के ऊपर में एक स्टिकर लगा होगा जिससे कि आप पिल ऑफ कीजिए ताकि मतलब आपकी जो रीडिंग है वो और ज़्यादा एक्यूरेट आए। तो फर्स्ट इंप्रेशन में भाई मुझे ये वॉच है काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। एंड यहाँ पर मैं आपको पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मिलता है ताकि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हल्की हो सके। एंड इसका जो वेट है भाई 44 ग्राम्स है ये स्ट्रैप के साथ में, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट मिलती है आपको। एंड यहाँ पर मैं जो स्क्रीन मिलती है वो आपको 1.5 इंचेस की HD डिस्प्ले के साथ में मिलती है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस वो 700 nits है, मतलब आउटडोर में भी इसकी जो ब्राइटनेस है या फिर इसके जो व्यू एंगल्स है वो भी काफी सही मिलते हैं। एंड इसके जो पर पिक्सल है ना भाई 360x360 पर पिक्सल मिलता है, मतलब भाई डिस्प्ले के मामले में। एंड इसकी जो रिस्पांस टाइम है ना भाई वो काफी ज्यादा सही मिलता है आपको। एंड यहाँ पर मैं आपको सिंगल चिप ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि सिंगल टैप में ये फास्टली कनेक्ट होने वाली है। एंड यहाँ पर मैं ब्लूटूथ कॉलिंग का भी ऑफकोर्स ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यही से आप कॉल पिकअप एंड कर सकते हो, कॉल यही से लगा भी सकते हो। एंड आपके जो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स होंगे वो यहाँ पर मैं आप सेव भी कर सकते हो, मतलब जैसे कोई कॉल करना पड़ेगा आपको तो यही से सीधा वो चीजें आप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ यहां पर मैं AI वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब यही से AI के थ्रू आप कोई भी कमांड दे सकते हो वॉच के थ्रू ही, मतलब आपके मोबाइल में YouTube वगैरह चलाना हो सारी चीजें वो यही से आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा प्लस पॉइंट लगा मुझे इसके बारे में। एंड यहां पर मैं IP67 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब काफी ज्यादा ड्यूरेबल है ही आपको, साथ में ही वाटर रेजिस्टेंस एंड फ्लैश प्रूफ भी आपको देखने को मिलती है। एंड इसके OS के बारे में थोड़ी बात करूं तो यहाँ पर मैं ऊपर से स्वाइप करते हैं, यहाँ पर मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पैनल मतलब कंट्रोल सेंटर एक तरीके से आप मिल जाता है। एंड नीचे से जब आप स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर मैं आपके नोटिफिकेशन जो भी मैसेजेस वगैरह होंगे वो यहाँ पर मैं सारे के सारे शो होंगे। एंड राइट स्वाइप करते हैं यहाँ पर मैं आप डायल मिल जाता है, मतलब यहाँ पर मैं जितने भी फंक्शंस है वो यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आप देख सकते हो। एक बार लेफ्ट स्वाइप करते हैं आपको यहाँ पर मैं फ़ोन के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक और बार करते हो तो यहाँ पर मैं सारे जो स्पोर्ट्स के मोड हो गया, यहाँ पर मैं ब्लड प्रेशर वगैरह हो गए वो सारी मेजरमेंट की चीज़ें आती है। एंड लास्ट में यहाँ पर मैं आता है म्यूजिक का सेक्शन, यहाँ पर मैं म्यूजिक का कंट्रोल भी आपको देखने को मिलता है, मतलब इसका जो OS है एंड इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। एंड फिटनेस की बात हो ही गई तो यहाँ पर मैं आपको एक स्विच मिलता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली 100+ स्पोर्ट मोड को एक्सेस कर सकते हो, मतलब भाई जितने मुझे मालूम भी नहीं उतने स्पोर्ट्स मोड इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। एंड इसके अंदर जो सेंसर है SPO2 हो गया, हर्ट रेट मॉनिटरिंग, मेजरिंग साइकिल, स्लीप साइकिल, इवन यहां पर मैं आप पानी पीने का रिमाइंडर भी इसमें लगा सकते हो जो कि काफी नेक्स्ट लेवल चीज लगी मुझे। एंड वॉच फेसेस की अगर हम बात करें तो वहां पर 150+ आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलते हैं, मतलब जैसा चाहे आप कस्टमाइज कर सकते हो, इवन यहां पर आप अपना फोटो भी यहाँ पर में लगा सकते हो। एंड इवन यहाँ पर मैं आपको फाइंड माय फोन का फीचर मिलता है, मतलब वन टैप से आप अपने फोन को भी ढूंढ सकते हो। एंड अगर आप बोर हो रहे हो तो यहाँ पर मैं गेम्स भी खेल सकते हो, जो कि 3-4 गेम यहाँ पर में देखने को मिलते हैं। एंड मतलब काफी सही टाइम पास भी हो जाता है आपका। एंड यहाँ पर मैं टोटल आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, इसके अलावा 2 कलर्स है जो कि काफ़ी सही लगते हैं। तो गाइज मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इसे बाय करना है या फिर नहीं। अगर आपको इसे बाय करना है तो ये फ्लिपकार्ट पर एंड इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलने वाली है, तो अगर आपको इसे बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कीजिए। एंड आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।